ऐसी कोई हवा वाली नहीं थी, क्योंकि हालांकि हवा में फायरवर्क्स होती हैं उसका कोई नहीं कुछ कहता, उस अनार के पीछे वो छोटा बच्चा जो हाफिज़े कुरान था उसको पकड़ लिया। हमने भी जाकर पुलिस वालों को कहा कि इसको छोड़ दो, ये बेचारे बच्चे को दफात का नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर लफाफे में अनार होने की, वो आतिशबाजी होने की FIR काट दी। एक FIR हमारे ऊपर भी कटी। हमने रमज़ान में दुआ करवाई, जो कैदी हैं इमरान खान और बाकी जितने तमाम कैदी हैं, पिंडी में उसकी दुआ हुई, उसके अंदर हम सब ने शिरकत की। अब ये सोचें कि वहाँ पे दुआ कराई जा रही थी, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी, सब ने हाथ उठा के दुआ की, और उस जुर्म में, क्योंकि हमने सब ने दुआ की, अब हम पिंडी में जा रहे हैं जिस पे हमारे ऊपर एक FIR कट चुकी है दुआ करने की। अब ये वक्त आ गया है कि आपका दीन भी एक जुर्म बन गया, आपका दुआ करना भी एक जुर्म बन गया। ये अगर यही रह गया कि ये काटते जाएं FIR-ें, अब मेरे ऊपर 5 हो गए, मेरी बहन के ऊपर 6 हैं, अभी हमारा हमने देखने के या एक दूसरे का नंबर क्रॉस कर जाते हैं, या 20-25 और हो जाती हैं, या ये जेल में डाल देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम गुजर गया है। और हमें सिर्फ अपने वोट का तहफ़ करना है, क्योंकि ये इमरान खान का वोट नहीं है, ये लोगों का, हमारा वोट है। हमने इसका, इमरान खान ने कहा अपने वोट का तहफ़ करो, आप बाहर पोलिंग स्टेशन में वोट डाल कर बाहर उसका तहफ़ करो, वकला उनके साथ होंगे और रौनक लगा लेते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर।